गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम मिसेस सोनी कार्ला, योर कंप्यूटर टीचर। टुडे वी विल रीड चैप्टर 3, नेक्स्ट टॉपिक्स रिप्लेसिंग द टेक्स्ट। कल हमने पढ़ा था कि कैसे आप फाइंड करते हो टेक्स्ट को, आज हम देखेंगे कैसे टेक्स्ट को रिप्लेस करते हो। सेम प्रोसेस दे रहा, थोड़ा सा चेंज है, तो चलिए देखते हैं। बिसाइड सर्चिंग द टेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो रिप्लेस द वर्ड और फ्रेज विद एनी अल्टरनेट टेक्स्ट। आप सर्च के अलावा किसी भी वर्ड को या फ्रेज को किसी दूसरे अल्टरनेटिव टेक्स्ट यानी किसी दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस भी कर सकते हो, बदल भी सकते हो। यानी कल हमने द फाइंड किया था, THE द, आप उसको दैट के साथ, दीज के साथ, दोज के साथ, किसी भी वर्ड के साथ आप उसको चेंज कर सकते हो। तो कैसे करेंगे रिप्लेस? आप मान लीजिए आपके पास 50 पेजेस है। अगर मैं आपको कहूँ 50 पेजेस आपके पास हैं, जहाँ जहाँ द लिखा हुआ है उसे कट करके उसकी जगह दीज लिखो। आपको हर एक 50 के 50 पेज को ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, दम उसे कट करके तल लिखना पड़ेगा। तो एक ह्यूमन बींग के लिए काम मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर सेकंड्स में इस काम को कर सकता है। कैसे? पहले वो दा को फाइंड करेगा, जैसे ही उसको सारे दा मिल जाएंगे, दा को दीज में कन्वर्ट कर देगा और एक साथ सारे के सारे काम बदल जाएंगे, हो जाएंगे। तो स्टेप्स देखेंगे। क्लिक ऑन रिप्लेस बटन इन द एडिटिंग ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब के अंदर रिप्लेस बटन पर जाएंगे। द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर। ये फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड करने का भी बॉक्स है और ये रिप्लेस करने का भी बॉक्स है। सेम बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा। इन फाइंड वट बॉक्स टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू सर्च फॉर। फाइंड वट वाले में यहाँ पर आपने उस वर्ड को लिखना है जिसे आप ढूंढ रहे हो। एंड इन द रिप्लेस विद बॉक्स एंटर द न्यू टेक्स्ट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। जो आप ढूंढ रहे हो उसको जिसके साथ बदलना चाहते हो उसे रिप्लेस विद में लिखेंगे। लाइक फाइंड वट में लिख दिया आपने द, ठीक है, और रिप्लेस किसके साथ कर रहे हो? दैट के साथ, ठीक है। वहाँ पे द, यहाँ पर दैट, तो जहाँ जहाँ पूरे डॉक्यूमेंट में द लिखा होगा वहाँ वहाँ क्या लिखा जाएगा? दैट लिखा जाएगा। क्लिक ऑन मोर बटन टू सेलेक्ट अदर ऑप्शन इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं देन आप कहाँ पे क्लिक करोगे? मोर बटन पर क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद चलेंगे क्लिक ऑन आइदर रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट बटन एज नीडेड। यहाँ पर ये बटन दिए हुए हैं रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड नेक्स्ट। इन बटन में से आपको जिस भी बटन की नीड है आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो जो पहला पहला वर्ड फाइंड हुआ है द, वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिप्लेस ऑल पे क्लिक करोगे तो जहाँ जहाँ दा लिखा है वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। फाइंड नेक्स्ट में वो क्या करेगा? पहले दा फाइंड किया था फिर उसके अगले वाला दा ढूंढेगा, ठीक है। व्हेन वर्ड हैज़ फिनिश सर्चिंग फॉर द वर्ड एंड मेड रिप्लेसमेंट अ मैसेज बॉक्स अपीयर्स, क्लिक ओके। जब वर्ड सारे दा को ढूंढ ले और दा को ढूंढने के बाद दैट को सबको रिप्लेस कर दे, दैट में सबको, तो एक मैसेज बॉक्स दिखाई देगा। उस मैसेज बॉक्स को आपने क्या करना है? ओके करना है। कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर वह आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा है। यू कैन जूम द डॉक्यूमेंट्स यूजिंग माउस। आप डॉक्यूमेंट को जूम भी कर सकते हो माउस की हेल्प से। प्रेस कंट्रोल की, कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाइए एंड मूव द माउस व्हील फॉरवर्ड टू जूम इन एंड बैकवर्ड टू जूम आउट। अगर आपको जूम करना है तो फॉरवर्ड घुमाओ, अगर आपको जूम ख़त्म करना है तो बैकवर्ड दबाओ, ठीक है। ब्रेन ट्विस्टर, प्रेस ऑल्ट प्लस ओ की कॉम्बिनेशन टू टेक हेल्प फ्रॉम टेल मी व्हाट यू वांट टू डू फीचर। अगर आप यूज़ करना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि आपको कैसे उस फंक्शंस को यूज़ करना है, तो ऑल्ट प्लस ओ को आपने कीबोर्ड से दबाना है। टिप में पढ़ेंगे रिप्लेस बटन चेंजेस द सर्च टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट गिवन इन द रिप्लेस विद टेक्स्ट बॉक्स। रिप्लेस बटन क्या करता है? चेंजेस द सर्च टेक्स्ट, जो उसको सर्च करके दिया है उसको चेंज कर देता है विद द न्यू टेक्स्ट गिवन इन द रिप्लेस विद टेक्स्ट बॉक्स, नए टेक्स्ट के साथ जो रिप्लेस विद टेक्स्ट बॉक्स में आपने लिखा हुआ है। रिप्लेस ऑल क्या करता है? जितना भी उसने सर्च किया है सभी को बदल देता है। फाइंड वट में वो क्या करता है? बटन विल हाईलाइट द नेक्स्ट अकेरेंस ऑफ द टेक्स्ट दैट इज सर्चेस। सबसे पहले दा सर्च किया उसके अगले वाले दा को वो ढूंढ के देगा फाइंड नेक्स्ट। कैंसिल से क्या होता है? कैंसिल बटन इज यूज टू क्लोज द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स जो ओपन हुआ है उसको ये क्लोज कर देता है। वर्ड 2016, वर्ड 2013 के बारे में क्या कह रहा है? यू कैन रिप्लेस द टेक्स्ट इन वर्ड 2013 इन द सेम वे एज यू डू इन वर्ड 2016। जैसे आप वर्ड 2016 में फाइंड एंड रिप्लेस कर रहे हो तो पुराने वाले 2013 में भी आप सेम ऐसे ही करते थे, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पेज फॉर्मेटिंग, क्रिएटिंग हेडर एंड फुटर। पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है? जितने भी चेंजेस आप पेज के लुक में करते हो कि पेज कैसा दिखाई देगा, पेज में स्पेस कैसे होगा। देखो ये पेज है, इधर से स्पेस है, राइट से स्पेस है, टॉप से स्पेस है, बॉटम से स्पेस है, या कोई हेडिंग देनी है। मान लीजिए ये पेज बन गया, ठीक है, इस पेज में ये हेडिंग है,
कि हेडर में क्या लिखा हुआ है। इस पेज में सबसे नीचे देखो कंप्यूटर 4 हैश 24 लिखा हुआ है, ये बॉटम में क्या लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप हेडर और फुटर भी लिख सकते हो। हेडर एंड फुटर इज़ यूज टू प्लेस सम इंफॉर्मेशन ऑन टॉप एंड एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। हेडर और फुटर क्या होती है, टॉप में और बॉटम में कुछ इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हो। जो इन्फॉर्मेशन टॉप में लिखी जाती है वो इन्फॉर्मेशन हेडर कहलाती है, और जो इन्फॉर्मेशन बॉटम में होती है वो इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है, फुटर कहलाती है। ठीक है, तो कैसे आप लिखेंगे, कैसे आप बनाएंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो। टाइटल लिख सकते हो, चैप्टर्स की हेडिंग लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो, पेज नंबर लिख सकते हो, ऑथर का नाम लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें आप हेडर और फुटर में यूज़ कर सकते हो। तो देखेंगे स्टेप्स। द हेडर एंड फुटर बटन आर फाउंड इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। तो हेडर और फुटर कौन से टैब में मिलता है आपको, इंसर्ट टैब में। क्लिक ऑन द हेडर बटन, आप हेडर बटन पे क्लिक करो इंसर्ट टैब पर जाकर, जैसे डायग्राम में दिया हुआ है। सेलेक्ट द एडिट हेडर ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू, जैसे ही आप क्लिक करोगे जो लिस्ट निकल कर आएगी उसमें से हम एडिट हेडर पर जाएंगे। लाइकवाइज सेलेक्ट द इंसर्ट फुटर एडिट फुटर। तो ये क्या कह रहा है, देखो कैसे स्टेप फॉलो किया आपने, सबसे पहले आप इंसर्ट पर गए, इसी तरीके से आप फुटर पर भी जा सकते हो, फुटर पर जाकर एडिट फुटर ले सकते हो। एन एडिशनल टैब नेम डिज़ाइन विल अपीयर ऑन द रिबन अंडर द हेडर एंड फुटर टूल सेक्शन। जब भी आप चाहे हेडर लें चाहे फुटर लें, तो डायग्राम जो आपका होता है या जो विंडो आपको नजर आती है वर्ड की, उसमें एक नया टैब जुड़ जाता है, उस टैब का नाम है डिज़ाइन टैब। You will find header and footer boxes at the top and the bottom of each page respectively, separated by dotted line. जैसे ही आप insert पे जाकर header या footer लेते हो तो आपके पास ऊपर डैश करके header के लिए column बन जाता है, और नीचे डैश करके bottom पर footer के लिए अलग से column बन जाता है, lines बन जाती है। यहाँ पर आप header लिख सकते हो और यहाँ पर आप footer लिख सकते हो। ठीक है, आगे वो कह रहा है हेडर पर लिखना है तो हेडर वाले बॉक्स पे क्लिक करो और वहाँ लिखो स्टूडेंट सिलेक्शन बुक। ये अपनी चॉइस से बता रहा है, आप अपने चॉइस से जो इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। प्रेस द टैब की ट्वाइस, दो बार टैब की दबाइए, द इंसर्शन पॉइंट विल जंप टू द राइट टैब। किसे क्या होता है, वो आगे आगे जंप होता चला जाता है कर्सर। क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम बटन इन द इंसर्ट ग्रुप। अगर आप डेट और टाइम ऐड करना चाहते हो तो डेट और टाइम इंसर्ट ग्रुप से ऐड करोगे, डिज़ाइन टैब में मिल जाएगा डेट एंड टाइम ग्रुप। ठीक है, द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर, डेट और टाइम का बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें से जो भी डेट और टाइम का फॉर्मेट आप लेना चाहते हो वो ले लीजिए। फॉर एग्जांपल कोई इस तरह से लेता है, लाइक आज की डेट है 15 मई 2021, कोई लिखता है 5 15 2021, कोई लिखता है मई 15 21। तो ये अलग अलग फॉर्मेट हैं, डेट और टाइम का जो फॉर्मेट आप लेना चाहते हो वो फॉर्मेट वहाँ से ले सकते हो। इसी तरीके से वो कह रहा है गो टू फुटर बटन, फुटर बटन पर जाइए तो जो कर्सर है वो लेफ्ट साइड पर चला जाएगा। कम टू द नेक्स्ट पेज, तो फुटर सेक्शन पर चले जाएंगे, टैब की दबाइए तो वो सेंटर पर चला जाएगा। इसी तरीके से आप पेज नंबर ले सकते हो, पेज नंबर भी आप हेडर में ऐड कर सकते हो। पेज नंबर का फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स नजर आएगा जब आप पेज नंबर पे क्लिक करोगे, और उसकी सारी की सारी सेटिंग जो आप करना चाहते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो कर सकते हो। जब आपका सारा काम फिनिश हो जाए तो हेडर और फुटर को आपने क्लोज कर देना है। 2013 पे भी सेम आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हो। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, सेटिंग पैराग्राफ स्पेसिंग। पैराग्राफ स्पेसिंग इज द अमाउंट ऑफ स्पेस अबव और बिलो अ पैराग्राफ। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पैराग्राफ लिखा, ठीक है, ये पैराग्राफ यहाँ ख़त्म हो गया, फिर दूसरा पैराग्राफ लिख रहे हो, तो पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है, पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस होता है ऊपर और नीचे की तरफ से, उसे हम बोलते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग। ठीक है, समझ आ गया। आगे देखेंगे इसके स्टेप। सेलेक्ट द पैराग्राफ बिफोर एंड आफ्टर विच यू वांट टू चेंज द स्पेसिंग। उस पैराग्राफ को सेलेक्ट करो जिसके आप पहले या बाद में पैराग्राफ स्पेसिंग को सेट करना चाहते हो। क्लिक ऑन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन, ये जो बटन है इसे हम बोलते हैं पैराग्राफ लॉन्चर बटन, होम टैब पर मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट द इंडेंट्स एंड स्पेसिंग टैब, तो उसके बाद इंडेंट और स्पेसिंग टैब आपने क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर द रिक्वायर्ड स्पेसिंग इन द बिफोर एंड आफ्टर स्पिन बॉक्स अंडर द स्पेसिंग सेक्शन। तो वहाँ पर एक बॉक्स खुल जाएगा इस तरीके से, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे, आपको जो भी स्पेस सेट करना है बिफोर और आफ्टर, बिफोर के आगे स्पेस के पॉइंट सेट कर दो और आफ्टर के आगे स्पेस के पॉइंट सेट कर दो, जितने भी पॉइंट आप देना चाहते हो स्पेस के लिए, कि आगे इतना स्पेस आए, पैराग्राफ के पीछे इतना स्पेस आए, वो सेट करके ओके पर क्लिक कर दो।
टिप में वो क्या कह रहे हैं, टू सेट मोर प्रिसाइज स्पेसिंग मेजरमेंट क्लिक ऑन लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप। अगर आप और भी अच्छे से स्पेस देना चाहते हो तो ये बटन आपके पास दिया हुआ है, इस बटन को बोलते हैं लाइन एंड पैराग्राफ ग्रुप, होम टैब पर ही आपको नजर आता है। और इस पर जब आप क्लिक करोगे लिस्ट आ जाती है पॉइंट्स की, 1.2.2.5 3.5, तो जितने पॉइंट का आप स्पेस लेना चाहते हो उस स्पेस को यहाँ पर आप क्लिक कर देना, उसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ में स्पेस सेट हो जाता है। चेंजिंग लाइन स्पेसिंग, जैसे पैराग्राफ में स्पेस होता है वैसे ही लाइन में भी स्पेस होता है। लाइक आपके पास ये लाइन गिवन है, इन लाइन के बीच में ये जो स्पेस है, यहाँ ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, लाइंस के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। ठीक है, तो इसके लिए क्या स्टेप्स हैं, सेलेक्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करो, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, इंडेंट्स और स्पेसिंग टैब पर जाना है, सेम वही प्रोसीजर है। ठीक है, और सेलेक्ट द रिक्वायर्ड लाइन स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग के लिए जो पॉइंट आप लेना चाहते हो वो पॉइंट लेकर ओके पर क्लिक कर दो, लाइन्स के बीच पर भी स्पेस सेट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे।